गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। विंटर की वजह से वॉइस थोड़ा सा बैठ गया है। ये तो अभी सीज़न की शुरुआत है। राइट नाउ इट्स 6:38 AM मॉर्निंग और आज का डेट है 14 दिसंबर। हमने चालू किया था दहीसर चेक नाके से, बट इतना ब्लैकआउट था कि वहाँ पे मैंने कुछ भी फुटेज नहीं लिया। 6:38 को हम थे घोड़बंदर क्लाइम पे, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा फुटेज लिया हुआ है जो इसके पहले आपने देखा होगा। मैं थोड़ा सा डर गया था। आ गया था नीचे से गेट में से, और हम कुछ राइडर्स के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। एक्चुअली आज का हमारा राइड है पहला डैम का। लेट्स सी, सुबह 6 बजे तो हमने स्टार्ट किया है, और चेक पॉइंट पे कितने बजे पहुँचते हैं एक्चुअल चेक पॉइंट पर। आई गेस सारे लोग आ गए। मुंबई में इतना फॉगी नहीं है, बट आउटस्कर्ट्स में अगर आप जाते हो, मुंबई के थोड़ा भी बाहर जाते हो, तो पूरा फॉगी फॉगी दिख जाता है आपको। राइट नाउ इट इज 6:50 AM एंड वी आर रीचिंग टूवर्ड्स वसई। इसके पहले मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही डार्क था, सुबह का बीच डार्क था, और बीच के कहीं रोड पे लाइट्स भी नहीं है। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे इसके पहले, वो रॉयल गार्डन के यहाँ पे रुके थे, तो रॉयल गार्डन रिसॉर्ट है। बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, आप देख ही सकते हो, ट्रैफिक भी उसकी वजह से काफ़ी सारा जाम हो गया है यहाँ पे। वी आर रीचिंग टू वर्ड्स वसई। हाईवे पे ऐसे सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो राइड सेफ गाइज ऑन हाईवेज, कीप योर ऑल सेंसेस अलाइव, ओपन रखना और हाईवे पे साइकिल चलाना। सो ये है सारे ग्रुप के राइडर्स, मयंक डीलॉन मेरे आगे है, अपूर्व ब्रिज की तरफ जा रहा है, मनीषा रोशनी नीरव और संजय, हम लोग नीचे से ही जा रहे हैं क्योंकि अचानक से ब्रिज का लाइन लेना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, पीछे से भी गाड़ी आती है। सो बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग ब्रिज। अगर आप ब्रिज के लाइन में नहीं हो तो अवॉइड ही करना, नीचे से चले जाना। गाइस, पीछे जो ट्रक का एक्सीडेंट आपने देखा था मेरे फुटेज में, उसका जो डोर है वो यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये ट्रक वाला और वो जो काफ़ी पीछे छूटा हुआ था ट्रक, उसका एक्सीडेंट हुआ है, आप देख सकते हो। सो आफ्टर रॉयल गार्डन्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है सेकेंड हॉल्ट, जो कि समवेयर नियर वसई। यहाँ से आगे मुझे लग रहा है वसई का लेफ्ट है आई गेस। वी हैव हॉल्टेड एंड सभी लोग थोड़ा सा हाइड्रेट हो रहे हैं। राइड वैसा स्लोली स्टेडी हो रहा है, कोई फास्ट नहीं जा रहा है। नाउ वी आर एंजॉइंग द स्लोप। वसई के यहाँ पे अप्रोचिंग स्लोप जो है, इसके आगे एक इमीजिएट ब्रिज है। ये स्लोप के बाद ये ब्रिज पे चढ़ना, मतलब पेडल मारना ही नहीं है आपको, आराम से चढ़ जाते हो, इतना स्लोप है ये, और ब्रिज आराम से चढ़ जाते हो उसके बाद। आप वी हैव रीच्ड इन नाला सोपारा। अभी अभी पीछे नाला सोपारा का डिकैथलॉन भी गया,
से हमें अभी राइट लेना है पेलार डैम के लिए। सो एक्चुअल जर्नी ऑफ पेलार डैम यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। अभी तक जो भी देखा वो तो खाली ट्रेलर ही था। नाला सुपारा 7 किलोमीटर लेफ्ट बता रहा है, नाला सोपारा लेफ्ट में है और हमें यहाँ से रहना है राइट पेलार डैम के लिए। यार सुबह का बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। सो आफ्टर टेकिंग राइट फ्रॉम नाला सोपारा आगे थोड़ा रोड आई गेस 1 किलोमीटर तक कंटिन्यू करना है और यहाँ से फिर से एक राइट है जो कि स्ट्रेट रोड जाता है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ से पेलार डैम जाएंगे क्योंकि ये जो पूरा एरिया है रेसिडेंशियल जैसा लग रहा है एंड आई डाउट कि आगे कोई नेचर ट्रेल रहेगा। सामने पहाड़ तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। सो होप ये रोड जहाँ पे भी एंड होता है वहाँ से आगे थोड़ा नेचर रोड नेचर ट्रेल स्टार्ट हो जाए। पूरा रोड बम्पी है, स्टोन से भरा हुआ है। इट्स नॉट अ प्लेन रोड, इट्स कम्प्लीटली कच्चा रोड जैसे है। एंड हियर यू फाइंड यूर MTB यूज़फुल। अगर आपके पास MTB ना हो तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, ये लास्ट वाला पैच जो भी है। एंड आई एम राइट जहाँ पे भी रोड ख़त्म हो जाता है वहाँ पे आगे पूरा पहाड़ दिख रहा है और शायद आगे थोड़ा नेचर ट्रेल चालू हो जाए। लेट्स सी ये रोड कहाँ पे लीड करता है। सबका स्पीड काफ़ी स्लो हो गया है। हाँ क्या हुआ पूर्व? रोड भी खराब ही है। पेलार डैम के लिए अभी हम पहुँच ही जाएंगे हार्डली 10 मिनट्स में। आगे दिख ही रहा है एक्चुअली मुझे, बट पूरा तबेलाज है टिल एंड। पेलार डैम तक पूरा तबेला ही तबेला है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट रोड ख़त्म हो जाता है और शायद हमें उतरना पड़े। ये पेलार डैम का गेट जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। कपिल भी है हमारे साथ, सारे रोड़ी वाले लोग भी आज आ गए हमारे साथ ज्वाइन हो, सारे चैंप्स। कुछ प्लान अलग ही था। ओके यहाँ पे आ गए, अच्छा है ना, ज्वाइन कर लिया हमने। वाह बारिश में यहाँ का नेचर बहुत ही सीनिक होगा नो डाउट। वाह यहाँ से स्टेयरकेस भी जा रहे ऊपर तक। वाह दिस इज समथिंग वर्थ टेकिंग जर्नी, जो कि पूरा नेचर अभी चालू हो गया है। एंड आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ रोड्स। ये पेलार डैम का ही क्लाइंब है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। वाओ चलो चलो चलो, ये MTB वाला कैसे भाग रहा है देखो, कोई रोडी वाला देख कैसे अभी चला रहा है। सो मैं आपको पीछे का भी नज़ारा दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे साइकिलिंग बडीज कैसे आ रहे हैं नेचर में से। वाओ नाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ तक आने का, एक्चुअल मज़ा अभी है। वाह साइड में हो जाना, साइड में हो जाना।
चलो क्या करें, साइकिल यहीं पे रखे। कुछ लोग ऑलरेडी एक्साइटमेंट में ऊपर चले गए, हम भी ऊपर जाएंगे अभी। और ये है पेल्लार डैम, और आपको अगर पानी देखना हो, सो दिस इज डैम वाटर, अभी आप जो देख रहे हो ऊपर। सामने पूरा पोल्यूटेड सिटी है, और यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा नेचर है। सो दिस इज टिपिकल डाइवर्सिटी, टिपिकल एग्जांपल। व्हेन यू फील द वर्ल्ड इज ओवर, व्हेन यू से यू फील लोनली, इफ यू एवर नीड अ शोल्डर इससे आपको पता चला ही होगा कि हेलमेट्स यहाँ पे है, सैक्स यहाँ पे है, सभी लोगों के शूज़ भी यहाँ पे हैं। मतलब लोग कहाँ गए, तो लोग हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो, सारे एंजॉय कर रहे हैं पेल्लार डैम में, बैक वाटर्स में, डैम के बैक वाटर्स में। इट्स अमेजिंग नेचर, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। मुंबई के बाहर थोड़ा आप आ जाते हो तो सारे माउंटेन्स दिख जाते हैं ऐसे आपको। इट्स वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे जगह पे आना। प्रवीण हो गया, ड्रोन से शूट कर रही है पूरा। अरे ड्रोन डूब गया। पार्टी भेज रही है तीन लोगों। सो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। गाइस आर यू एंजॉयिंग? सो जितनी भी हमने राइड की, जितना लंबा हम आए, उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग ये प्लेस है। जर्नी तो एक्साइटिंग थी, बट ये जो प्लेस है, इट्स अमेजिंग। मोर्चा मोर्चा, अपूर्व क्या कर रहे हैं? अपूर्व फन बात ले रहे। प्रवीण आता है कि नहीं? नहीं यार नहीं। हो गया, अभी आ जाओ, तुम लोग भी बाहर आ जाओ। क्या प्रवीण? हाँ डालो यहाँ पे, डालो पत्थर, डालो यहाँ पे, कैमरा मत फोड़। When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. So guys, इसी के साथ आज का राइड यही खत्म हो जाता है। This is a very beautiful place. अभी बारिश नहीं है, but I can imagine कि बारिश के टाइम पे ये जो पूरा सीनरी है वो पूरा लश ग्रीन होता रहेगा। और ये जो पानी है, आई गेस ये पानी पूरा यहाँ पे ऑलरेडी एक फेंस डाला हुआ है पानी का, तो ये शायद ओवर फ्लो होके आगे भी जाता होगा। बट राइट नाउ देर इज नो मॉनसून सीजन, तो पानी बहुत ही अंदर जा चुका है। आई एम लविंग इट। सो अगर हर राइड की तरह ये भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना। सो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे, नेक्स्ट राइड में। तब तक के लिए।
आप ये सीनरी एंजॉय कर लेना। बाय।